जो क्रिकेट का सट्टा है, इस तरह से अब हर चीज के अंदर सट्टा मणि लग गया। एक लड़का बिग बॉस से जीत करके आया, नाम था उसका एलवीएस यादव, और एक कार्यक्रम रखा गया गुड़गांव के अंदर उसको ऑनर करने का, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में गया। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जहां मुख्यमंत्री जाता है वहां विशेष रूप से इन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि ये कार्यक्रम कराने वाला कौन व्यक्ति है, उससे किसको लाभ मिलेगा, कौन इससे प्रमोशन ले रहा है, इन सब चीजों को बारीकी से पहले देखा जाता है। तो इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी जरूर देखा गया होगा, और मुख्यमंत्री ने वहां जाकर के जिस ढंग से उसको आइकॉन के रूप में पेश किया, बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे लोगों को सरकार प्रमोट कर रही है जो सट्टे के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये उस कंपनी के लिए काम करता है जो सबसे बड़ी सट्टे की कारोबारी कंपनी टाइगर के नाम से, जिसका 10,000 करोड़ का मंथली बिजनेस है। ये एलविस को प्रमोट वही तो कर रहे थे, वही कंपनी के लोगों के जगह जगह पे जहाँ ये इसको जहाँ प्रमोशन की जा रही थी, उसके नीचे जो बैनर लगे हुए हैं वो सारे टाइगर कंपनी के लगे हुए हैं, टाइगर एक्सचेंज के नाम से है, ये आप देख सकते हो। इसमें मुख्यमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं, नीचे इसके बैनर लगे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसे फंक्शनों का हिस्सा बनेगा, आज जो है कल का आप पूरे दिन का ट्रेंड देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा, सारा दिन ट्वीट पे जो है मुख्यमंत्री को सरगना बता करके पूरे देश में नंबर एक पे चला है, और लोगों ने बहुत कुछ टैग करके बहुत कुछ लिखा गया इसके बारे में। अगर मुख्यमंत्री ऐसे काम करेंगे तो फिर मान के चलो युवा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस सरकार बनने के बाद जहाँ नशे से युवा को मार दिया, वहीं सट्टे से युवा को मार दिया, और वहीं उसके साथ साथ एक और नई चीज मैंने इस यात्रा के दौरान देखी। जब मैं यात्रा के दौरान गांव में था, लोगों से मिल रहा था, शहर और कस्बे में लोगों से मिल रहा था, तो एक नई चीज आई सामने, पर्टिकुलर आपका जींद जिला, कैथल जिला, और उसके बाद पानीपत डिस्ट्रिक्ट, पानीपत के बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, ये आपका कैथल का, ये आपका जिला जो है यमुनानगर का, अंबाड़े का, यहाँ पे जो युवा है, गांव के गांव खाली हो गए। मैंने कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, और गांव के गांव जो खाली हो गए उनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, वो विदेश को ये तो है नहीं कोई उनको जाते ही वहाँ कोई जॉब मिल जाएगी या कोई रोजगार मिल जाएगा, वो एक मजबूरी होगी इस प्रदेश को छोड़ने की उनकी। उन्हें सरकार की तरफ से पहले तो ये समझ भाग दिखाए गए थे कि हम 75% युवाओं को प्राइवेट एजेंसीज में नौकरी दिलाने का काम करें, कॉरपोरेट घरों में नौकरी दिलाएंगे, फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाएंगे, उन्हें इस किस्म का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि 5 लाख को हम रोजगार देंगे। आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसकी वजह से पढ़ा लिखा युवा जो है वो परेशान हो गया, उसको इस सरकार पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो इस सरकार को विश्वास ना करके अपनी जमीन बेचता है। 2-2, 4-4 एकड़ जमीन के मालिक हैं गांव के अंदर लोग, और वो जमीन बेच करके माँ बाप को विवश करके अकेले अकेले बच्चे और विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती जल्दी से, उनके पास जल्दी से कोई रोजगार नहीं होता, बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट होते हैं, जो डिपोर्ट होकर के आते हैं वो घर तो समझो सड़क पर आ जाता है, क्योंकि उसका सब कुछ बिका हुआ होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डोंकी से जाते हैं, वो
अपने जिस समय निर्धारित जो स्थान उसका निर्धारित है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, उससे पहले मर जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं है हरियाणा प्रदेश में जिस दिन डोंकी से जाने वाले बच्चों में एक आधी डेड बॉडी हरियाणा में ना आती। पहले बच्चे को भेजने के पैसे लगते हैं, फिर उसकी डेड बॉडी मंगाने के पैसे लगते हैं। कई घर तो ऐसे हैं जिनके पास वो पैसा भी नहीं होता, फिर गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उसकी बॉडी को मंगाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं विदेशों में इस सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, जिनके घर में पीछे कोई डेथ हो जाती है बड़े बुजुर्ग की, वो उनको कंधा देने भी नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास वीजा नहीं है, और वीजा नहीं है तो आ नहीं सकेंगे, आएंगे तो फिर वापस नहीं जा सकते। किस तरह से इस सरकार ने गलत नीतियों की वजह से आज जो है युवा परेशान है। जहाँ युवा परेशान है वहीं मैंने इस यात्रा के दौरान अब तक 3200 किलोमीटर की यात्रा मैंने करी है, और इस 3200 किलोमीटर की यात्रा में 676 विधानसभा क्षेत्रों में गया, लाखों लोगों से पर्सनली मिला हूँ। मैं शहर में भी गया, कस्बे में भी गया और गांव में भी गया। 1600 से ज़्यादा गांव, शहर और कस्बे मैंने कवर किए हैं। शहरों की भी हालत बहुत ख़राब है, शहरों में एक अलग तरह की लूट इस सरकार ने मचा रखी है। विधानसभा में तो लोग तो मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं विधानसभा में उनकी सारी बात रखूँ, लेकिन आपने देखा है विधानसभा में स्पीकर का क्या रवैया रहता है। सरकार हर वक्त इस बात से डरी हुई है कि अगर अवैध सिंह को बोलने का मौका दिया तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, इसलिए किसी ना किसी बहाने से मुझे रोकने की कोशिश की जाती रहती है। समय निर्धारित कर देते हैं, 3 मिनट में अपनी बात रख लो, 5 मिनट में अपनी बात रख लो, 1 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, मतलब सारे विधानसभा की भी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। कल जो इशू था पानी का, बाढ़ का, वो बहुत बड़ा इशू था, और उसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, जब हम सरकार की नाकामियां उस सरकार को बता रहे थे भी कम से कम तुम आगे से इस बात का ध्यान रखना, मैंने ये पूछा था कि मुख्यमंत्री ने जो 1100 करोड़ रुपया मंजूर किया था 19 जनवरी 2023 को, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया उसको बताया जाए। मेरे जवाब में ये बात नहीं आई कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, उसको गोलमाल कर दिया गया सारे को। वो पैसा जो मंजूर किया गया था वो पानी रोकने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए किया गया था, और वो पैसा अब ये कागजों में दिखाएंगे कि पानी के साथ बह गया सारा का सारा, कि हमने ये ड्रेन साफ करी थी, हमने ये ड्रेन साफ करी थी। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मेरे हल्के में जमाल गाँव है, और जमाल गाँव के अंदर गग्गर नदी का पानी जाता है, उसके पानी के लिए ड्रेन बनी हुई है, उस ड्रेन की सफाई के लिए भी पैसा जरूर दिया होगा इन्होंने। वहाँ उस गांव के अंदर, उस ड्रेन के अंदर इतने पेड़ पैदा हो गए, इतना गंदमंद हो गया कि वहाँ पानी पहुँच ही नहीं सकता। इसके लिए लोगों ने मजबूर होकर के आखिर ये फैसला लिया कि भाई सरकार की आंख खोलने के लिए हमें वाटर टैंक पे चढ़ जाना चाहिए। 2 लड़के चढ़ गए। मैं जब गाँव में गया, मैंने सारी स्थिति का जायजा लिया, पता किया, तो लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी थी। आखिर सरकार के साथ बातचीत करी, डिप्टी कमिश्नर से बात करी, उनसे बात करने का नतीजा ये निकला कि वो 10 दिन आगे का टाइम दे रहे थे, 10 दिन में उन किसानों की सारी फसल तबाह हो जाती। फिर मैंने उसमें पहल करी, मैंने अपनी तरफ से ये जो ऑकलैंड है, कौन सी मशीन होती है उससे सफाई होती है, कौन सी है ऑकलैंड, उससे सफाई होती है, वो मैंने फिर 7 मशीनें वहाँ मंगा करके दी, और वो मशीनें जब वहाँ लगाई तब उसकी सफाई शुरू करी, तो मुझे उन लोगों ने वीडियो बना करके भेजी। हैरानी होगी कि सारी ही खुदाई नहीं हो रही है, जबकि सरकार की जिम्मेवारी थी उस ड्रेन को साफ करना। तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा जो है सरकार में बैठे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर के खाएंगे, उन्होंने किसी ड्रेन की सफाई नहीं करी। इसकी वजह से अब की बार इतना बड़ा ये वार्ड का जो है प्रकोप हुआ, उससे नुकसान हुआ। अगर ड्रेनें साफ होती तो फिर उन ड्रेनों में पानी डाल करके आप उसको कहीं का कहीं पहुंचा सकते थे, उसका फायदा ले सकते थे। आज 12 जिले तो बाढ़ प्रभावित हैं।